नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रुकुम्स चैनल। आज मैं आपको समर में खिलने वाले बहुत ही सुंदर फ्लावर से मिलवाती हूँ, जिसका नाम है गिलार्डिया प्लांट। गिलार्डिया प्लांट का जो फ्लावर होता है, ये पूरे गर्मी भर गार्डन की शोभा बढ़ाता है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर कलर के फ्लावर खिलते हैं। ये इसमें तीन कलर के फ्लावर हैं, येलो, ऑरेंज और रेड। इसके अलावा ये चमकीले होते हैं और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये प्लांट की ये खुरदरी होती हैं, और जो इसका फ्लावर होता है ये बहुत सारे पेटल्स से मिलकर बनता है, और इसमें जो बीच में भाग होता है ये इसमें सीड का निर्माण होता है, और सीड जो है वो जब बनने लगता है तो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं, पेटल्स जो होते हैं, ये झड़ जाते हैं और ये कम्बल के समान दिखाई देने लगता है। इसलिए इसको ब्लैंकेट फ्लावर भी कहते हैं, कम्बल का फूल। इसके अलावा इसमें इसको कैसे उगाते हैं, इसको उगाने के लिए ये अभी जो मौसम है इसका, इस मौसम में भी उगाया जाता है। वैसे इसको साल भर कभी भी सर्दी, बरसात और गर्मी में उगाया जा सकता है। ग्रो करने के लिए इसको 50% गार्डन सॉइल और 30% सैंड, क्योंकि ये रेतीली मिट्टी में अच्छा होता है, इसमें पानी भर के नहीं रखना है, और 20% इसमें नीम की खली और वर्मी कंपोस्ट या गोबर की पकी हुई सड़ी हुई खाद इसमें डालते हैं, और एक गमला तैयार कर लेते हैं, बढ़िया से मिट्टी उसमें हिला के डाल देते हैं। और इसमें जब ये जो इसमें से सीड जो निकलता है, इस सीड से हम इसको ग्रो कर सकते हैं। सीड को हम फैला देते हैं और उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी डाल देते हैं, या फिर हम नर्सरी से एक पौधा परचेस कर लें, ज़्यादा महंगा पौधा नहीं आता है, और उस पौधे को हम फिर सालों साल चलाते रहें और उससे बीज बनाकर बनाते रहें। तो इस तरह इसका हम जो है इसको ग्रो कर लेते हैं। अब इसकी देखभाल कैसे करना चाहिए, देखभाल करने के लिए इसमें जो है बहुत इसमें पानी जो है, अधिकतर पानी का जो है ध्यान रखना पड़ता है। इसकी निकासी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, पानी इसमें भरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इसको बहुत तेज़ धूप नहीं चाहिए, इसको इनडायरेक्ट धूप चाहिए। इनडायरेक्ट धूप में ये समर में बहुत अच्छे से जीवित रहता है, बाकी समय इसको सर्दी में और ठंड में इसको हम फुल सनलाइट में रख सकते हैं। और जो इसकी पत्तियाँ जो होती हैं साइड में से जो टूट जाती हैं या सूख जाती हैं, उनको हमें निकाल के फेंक देना चाहिए, क्योंकि उससे जो है कीड़ों का निर्माण हो जाता है, कीड़े उसके ऊपर आ जाते हैं। मैं आपको ये बताती हूँ कि इसके कैसे बीज होते हैं। जब ये फ्लावर सूख जाता है तो देखिए ऐसा हो जाता है ये, और इसको जब ऐसे हाथ से हम ऐसे करेंगे तो ये सारे बीज निकल आते हैं। इन बीजों के द्वारा हम इसको ग्रो कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।